दोस्तों मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, इसलिए मैं बिग बॉस देखता था। देखता आप लोगों में से कोई बिग बॉस? बिग बॉस, बिग बॉस कोई नहीं देखता, तो उसको मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसा फैमिली शो है जिसमें माँ बहन की कमी नहीं है गालियों की। हाँ, ये कुत्ते बिल्ली से भी बदतर लड़ रहे हैं। बस इसमें साफ साफ लिखा है कि हाथ नहीं लगा सकते तो क्यों लड़ रहे हो चुतियो? जब तुम मार ही नहीं सकते तो लड़ना क्यों? प्यार से रह लो, समझौता कर लो, है ना? क्योंकि लड़ोगे तो आपको फाइन देके निकलना पड़ेगा, और वो फाइन इतना ज्यादा है ना कि ये फ्लॉप एक्टरों की औकात ही नहीं है। और ये बिग बॉस को पता है, इसलिए वो बिग बॉस को लेके आए हैं कि इसको अब उंगली पे नचाऊंगा कीड़ों को। हाँ, उसमें सारे फ्लॉप जो रियल वर्ल्ड में ना हारे हुए इंसान जैसे मेरी तरह लोग जो वक्त खराब कर रहे हैं सोते सोते, उनको वहां ले लिया है। और मैं उसको देख के ना मोटिवेट होता हूं कि ये जिंदा है तो मैं तो जी ही लूंगा, क्यों नहीं जी सकता, ये जी तो रहे हैं बेशर्मों की तरह, खुल के जी रहे हैं यार। उसमें जब वो बोलते हैं ना कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मेरे को बहुत हंसी आती है। हम उसको कब से देखते आ रहे हैं टीवी सीरियल में, उसके बाद उसको काम भी मिलना बंद हो गया और फिर भी बोलता है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। हाँ, और बिग बॉस ने बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट निकाला था। उसको पता था कि आपस में खून के रिश्ते एक साथ ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो कुत्ते बिल्ली से भी बदतर लड़ते हैं, तो इनका तो रिश्ता भी नहीं है, ये तो एक दूसरे को कर ही देंगे। और यही तो कंटेंट है। इंडिया में आप देख लो, मतलब नॉर्मली कहीं भी, खासकर मैं दिल्ली से रहता हूं तो मुझे पता है दिल्ली की, यहां पे हाउसफुल शो चलता है अगर दो की लड़ाई हो रही हो, लोग रुक रुक के देखते हैं, कहते हैं क्या हो गया भाई, वही तो पता कर रहा हूं। मैंने ऐसा देखा है कि कहीं पे कुछ भीड़ इकट्ठी है, उसके पीछे चैन 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 पूरा बना होता है। मैं अपनी गाड़ी लगा के उतर के गया एक बार ऐसी रैंडम कि भाई साहब क्या हो रहा है, कह रहा पता नहीं मैं भी वही देख रहा हूं। मैंने उसके आगे को बोला, कहता मैं भी वही कोशिश कर रहा हूं। उसके आगे गया, वो भी वही कोशिश कर रहा था। जब मैं बिल्कुल पास में देखा तो जो आपस में थे ना वो भी यही कोशिश कर रहे थे कि हम लोग तो ठीक है, एक दूसरे से बहस हो गई है, तू हाथ लगा कर रहे, ये लोग क्यों बैठे हैं, यहां हाउसफुल शो चल रहा है, यहां मूवी की जरूरत ही नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, ये लोग रोड पे ही एंटरटेन कर रहे हैं खुद को। और जब ऐसा शो आया ना बिग बॉस, तो लोगों को खूब मजा आया। लोगों को इसलिए मजा आया क्योंकि टीवी सीरियल वगैरह और जो अलग अलग जो भी है ना, जो कामयाब नहीं हो पाए जीवन में, कुछ नहीं कर पाए, उनको एक जगह घर में बंद कर दिया, कर लो यहां पे जो करना है। हाँ, देखा आपने। और वहां पे ना किसकी बात सुन रहे हो, आपके पास एक इंसान हो, आइडल हो, जो जीवन में कुछ उखाड़ा हो, वो आपको कुछ कहे कि ये करो तो आप कर लोगे, क्योंकि ठीक है यार बंदे ने कुछ तो किया है जीवन में। वहां एक आंख चीख चीख के बोल रहा है बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं आप ये बन जाओ, बिग बॉस चाहते हैं ये कर लो, ये सारे उसकी चाहत पूरी कर रहे हैं सिर्फ पैसों की वजह से। कोई नहीं बोल रहा तेरी माँ की आंख है ना। और देखो यार, मैं ना बिग बॉस में मेरा जाने का सपना था, मैं जाके करूंगा क्या, एटीट्यूड बहुत है मुझे, बहुत एटीट्यूड, बिना काम के एटीट्यूड, वो नहीं होती जो लकड़ी सूख जाती है वैसे अकड़ के चलता हूं। हाँ यार, मेरे को लोग पूछ लेते हैं भाई इधर आ, किस बात का एटीट्यूड, तो मैं कहता तो बस है, देख ले, कह रहा इस पे शर्म करनी चाहिए थी, जो देख ले। और वहां पे देखा आपने, सबको पता है कि तू नहीं भर पाएगा फाइन, फिर भी एक बार बिग बॉस में आने के लिए रोते हैं, ऑडिशन देते हैं और वहां से कहते हैं बिग बॉस मुझे घर जाना है, बिग बॉस मुझे घर जाने दो। ये पूरा स्क्रिप्ट ही समझ में आ गया है हमें, पिछले 10 सीजन से कोई जाके ही नहीं दे रहा। अब जब तुझे पता है कि नहीं जा सकता, चीखता क्यों है, सब चीख रहे हैं। वहां सूखा बंदा भी बाउंसर को एकदम चैलेंज कर दे रहा है, हाथ लगा के दिखाना। एक तो शो में वो एजाज खान था, उसने हाथ लगा दिया तो बेहोश हो गया। मैंने कहा सही है। लेकिन भाई देखो, प्यार इसलिए करते हैं ना लोग, क्योंकि उसमें जो होस्ट करता ना सलमान खान है, और सलमान खान को दे दिया है कि भैया देख तू इधर उधर लोगों को धमकाता रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है, ऐसा कर एक बार सप्ताह में आ, अपना जो भी गुस्सा है वो निकाल दे। सलमान खान हर बार गुस्सा को कंट्रोल कर ले रहा है, सीख गया करना, ब्लेजर उतार के जमीन पे फेंक देता, बस कहता मैं अपने पे आऊं क्या।
और देखो यार उसके लिए तो बढ़िया ही है ना, गुस्से का गुस्सा निकल गया और है ही तुम्हारे गुस्सा सुनने के लिए, है ना लोग, उसके भी पैसे मिले तो क्या ही मजा है। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस बार का सीजन यार, मतलब कुछ सीजन तो समझ में आया था जो फेवरेट भी था, इस बार मैं अपनी जिंदगी की तलाश में वो शो देखने के बाद खुद को ही भूल गया कि इनको जीने का मकसद ही क्या है। मैं देखता हूं उनको शो को और फिर मैं सोचता हूं क्यों ना मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग करके डाल दूं, लाश की तरह मैं भी पड़ा हूं, वो भी पड़े हैं, जब उसको देख रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं देखेंगे। थैंक यू सो मच।